एक तरफ नागपुर में अच्छी सड़कें बन रही है तो वहीं दूसरी ओर शहर के अधिकांश सड़कों पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं। इस बात को लेकर नागपुर सिटीजन फोरम की ओर से एक अच्छे अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर शहर के लोग बड़ी संख्या में शहर के सड़कों के गड्ढों की फोटो फोरम को भेज रहे हैं। फोरम द्वारा किया जा रहा यह अभियान को नागरिकों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आखिरकार क्यों यमराज को धरती पर उतरकर सड़क के गड्ढे दिखाने पड़े प्रशासन को, आइए देखते हैं। नागपुर की पहचान कई बातों से होती है। बड़े बड़े ब्रिज सड़कें बन रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन शहर में आज भी ऐसी सड़कें जहां पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे बन जाने से रोजाना कई लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मनपा प्रशासन और PWD विभाग कुंभकर्णी नींद में है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अमरावती महामार्ग स्थित नागपुर विद्यापीठ कैंपस परिसर से लेकर वाड़ी नाका तक की सड़कों की बनी लचर हालात के बारे में। इसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोगों का एवं विद्यार्थियों का आवागमन रहता है। बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से रोजाना इस मार्ग पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर सिटीजंस फोरम की ओर से गड्ढे दिखाओ और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाओ, यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर शहर के नागरिक बड़े बड़े गड्ढों की फोटो फोरम को भेज रहे हैं। कि प्रशासन जेव टेंडर काढतं आणि ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला हे रस्त्याचं काम देतं, त्याच्यानंतर वर्षानुवर्षे प्रशासन आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या रस्त्यांकडे ढुकून पाहत नाही। आता तुम्ही अक्षरशः पहा, ह्या पूर्ण रस्त्यावर ही एवढी बजरी, तुम्ही त्या कॅम्पसपासनं जर अमरावती रोडवर तुम्ही जायला निघाल तर एवढी बजरी तुम्हाला दिसेल। आणि जर तुम्हाला मी नागपूरच्या लोकांना आवाहन करतो की ज्यांना बजरीची गरज असेल ना, त्यांनी विकत नाही घ्यायची आहे, ट्रक इथे आणायची आणि ट्रकामध्ये भरून बजरी इथून नेऊ शकता। प्रशासनाने ती व्यवस्था आपल्यासाठी केलेली आहे। म्हणून मला हेच म्हणायचं आहे की अकाउंटेबिलिटी ही असली पाहिजे। जेव्हा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देता तर कॉन्ट्रॅक्टरने किती काम केलं, कसं केलं, काय मटेरियल वापरलं आणि इथून पुढे त्याची काय जबाबदारी आहे, सगळे नॉर्म्स त्यांनी पाळले की नाही, हे प्रत्येक नागपूरकरांनी विचारायला हवं आणि प्रशासनाने पण त्याच्यावर आपली नजर ठेवायला हवी। फोरम की ओर से यमराज का एक पथ नाट्य किया गया, जिसमें यमराज एक आदमी को अपने साथ लेकर जा रहा है तो दूसरी ओर नागरिक उस व्यक्ति को बचाने के लिए यमराज से उसकी जिंदगी बख्श देने की बात कर रहे हैं। काल बालका आज तुझा मृत्यु वाला है, चल बालका चल, आज तुझा मृत्यु वाला है। आज अमरावती रोड नॅशनल हायवे येथे आम्ही खड्डे दाखवा झोपेतून जागवा हे अभियान नागपूर सिटीजन फोरम मार्फत राबवलं। आपण बघाल तर भोले पेट्रोल पंप ते अमरावती रोडपर्यंतचा रस्ता फक्त आणि फक्त खड्डेमय आहे आणि या खड्ड्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून नागपूर सिटीजन फोरमने आज फोरमतर्फे आज मी यमराजाची भूमिका साकारून या खड्ड्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे। हे खड्डे आणि हा रस्ता म्हणजे मृत्यूचं द्वार आहे हे या माध्यमातून आम्हाला सांगायचं होतं। आणि हे मृत्यूचं द्वार म्हणजे यमराजाचं घर आणि यमराज इथनं कितीतरी लोकांना घेऊन जात आलाय आणि घेऊन जाऊ शकतो हे मला प्रशासनाला या माध्यमातून सांगायचं आहे। या रस्त्यावर होणारी जीवितहानी आणि या रस्त्याने होणारं नुकसान यासाठी संपूर्णपणे नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD आणि महानगरपालिका हेच जबाबदार असतील, या हे मला या माध्यमातून प्रशासनाला सांगायचं आहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मनपा प्रशासन और PWD विभाग नागरिकों से छलावा कर रहे हैं। सड़क के गड्ढे बंद करने के लिए लाखों करोड़ों के टेंडर पास करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि गड्ढों की वजह से नागपुर शहर की पहचान नागपुर शहर गड्ढों के शहर से हो रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।